I'm here in Muher village, which is about 15 kilometers from the Singrauli railway station. I came here last night, crashed in the cornfields here. I'm here to meet a single mother who's got a very interesting story to tell. पूरा ऐसे ऐसे जमीन हमारी है, वो बर का पेड़ है, वो भी जमीन आपका है? हाँ, हमारी है वो जमीन। इधर का पैसा मिल गया है, इतना पैसा मिला है इतना तक का, हाँ। इधर का, हाँ। और इधर का पैसा नहीं मिला है। तो इधर का कहाँ तक जमीन है? ये वो जंगल के पास, पूरा जंगल में घुस गया है ये पूरा जमीन। हाँ, आपका पूरा जमीन। आई फील अ बिट सैड दैट टू प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू दिस ग्रोइंग सिटीज व्हिच इज मल्टीप्लाइंग लाइक रैबिट्स, ऑल ऑफ दिस पिक्चरेस्क wallpaper type village is gonna go. पांच लाख हेक्टेयर की दर से बोला है और दिया है 3 लाख हेक्टेयर की दर से, तो 2 लाख में हम लोग अड़े हैं। आपको जो थोड़ा बहुत पैसा दिया वो पैसा क्या हुआ? 1 एकड़ जमीन हम लोग ले लिए हैं और घर बनवा लिए हैं, और क्या है। तो यहाँ का 6 एकड़ जमीन आपकी और इतना बगीचा छोड़ करके आप 6 एकड़ जमीन की 6 एकड़ यहाँ है, 12 एकड़ का और एक बार छोटा सा अगर जमीन दे दिया जहाँ पे आप पेड़ वेड़ नहीं लगा सके, क्या करोगे आप? जो विस्थापित कार्ड बना हुआ है ना उसमें दिया है कि 60-70 वालों को विधवा पेंशन दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे उनको नौकरी दिया जाएगा, और जितना परिवार होंगे उनको दवाई बीरो इलाज होगा डॉक्टरी में, उसका फ्री में दवाई होगा। हमारा विस्थापित कार्ड भी नहीं मिला है, बहुत लोगों का मिल गया है, हमारा नहीं मिला है, इसलिए भरोसा नहीं है। We are the ones who are deciding for them that now you guys need to leave your villages and go away because we need to dig up this place. No, we are no one to decide that. They don't have the right to live here anymore where they've grown up and lived for generations. रिलायंस कब आया यहाँ पर? किया 1.5 साल हो गया। हम लोगों से यही कहा है कि हम लोग कोई खदान बसाएंगे। In the middle of the dense forest, you see that bald patch? That's Reliance. They've cleared up the forest over there and they've started digging for coal. And the moment they find coal, it's going to be open season. वो नहीं बढ़ जाए आके मत बनाओ। अच्छा। जब तक हम रहेंगे तब तक बनाएंगे, लेकिन यहाँ के आदमी ढीला ढाला हो गए हैं कि अब तो ले लिया हो तो हम क्या करें बना करके, उसका मौजा तो मिलेगा नहीं, तो मेहनत हम क्यों करें। It's like whatever little they have, even taking that away from them and feeding it to us who have so much but we still not satisfied. इतना घर बना करके और इतना पेड़ पौधा उत्पादन कर करके हम लोगों को दे देगा, हम लोग 1 पैसा नहीं लेंगे। और जबरदस्ती वाली काम नहीं है, यहाँ लाठी लौंड चढ़ जाए और मुड़ी भी पछा जाए 2-4 लोगों का। 10 साल बाद में फिर कोई और कंपनी वहाँ पे आ गई, बोले कि अभी यहाँ पे भी खदान करना है, तब वह बात ठेगा, वह ऐसा चाट कर पोच कर बैठा चुपे गोड़ हाथ मोड़ कर, ऐसा गवर्नमेंट दे खाए तो खा, ऐसा पड़ा रहा चुपे। तरफ से एक छोटी सी सप्रेम भेंट है आपके लिए। अच्छा। Now that you know that your action or greed for non-stop energy is resulting in someone else also paying a larger price, keep your eyes and ears open. There are a lot of people who are trying to raise this and fight it. ठीक है माँ। तो ये अब आपका हुआ। अच्छा। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। I'm sure there's a solution to feed our hunger and greed for electricity by not destroying what they have. Don't just close your eyes and ignore it and turn your back like, mera kya jata hai, mujhe bijli milti rahe bas. Don't do that.